नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं खबर बिहार के गया से है। जम्मू कश्मीर में पोस्टेड जवान राज ऋषिकेश कुमार देश की सुरक्षा में 17 साल पूरा करने के बाद आज वह अपने पैतृक घर गया पहुंचे। राज ऋषिकेश डेल्हा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। ड्यूटी से सेवानिवृत्त होने के बाद जवान के घर लौटते वक्त लोगों ने गया रेलवे स्टेशन पर फूल माला एवं ढोल बाजे के साथ जम्मू कश्मीर में पोस्टेड जवान राज ऋषिकेश कुमार का स्वागत किया। जवान राज ऋषिकेश कुमार की पत्नी गुंजन कुमारी बताती है कि देश की सुरक्षा में 17 साल के अनुभव और कई ऑपरेशन में सफलता हासिल करके आज हमारे पति रिटायर होकर घर लौटे हैं। घर लौटने पर पूरा परिवार में खुशी की लहर है। मेरे पति जब भी आतंकवादियों के मुठभेड़ में रहते थे तो हमें डर लगी रहती थी कि कब और कहां आतंकवादियों के मुठभेड़ में कुछ हो न जाए। रिटायर होने के बाद अब हम लोग पूरे परिवार एकजुट होकर खुशी के साथ रहेंगे। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। आपके बहुत अच्छा लग रहा है। 15-17 सालों के बाद ये अपने घर लौट रहे हैं, कठिन परिश्रम किए हैं, देश की सेवा में लगे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जब भी रहते थे तो बहुत डर से लगा रहता था। अब आपके साथ में रहेंगे, आगे क्या कैसे अपना लाइफ चलाएंगे, क्या क्या प्रोग्राम किस तरह खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम बनाए हैं कि अब आप पति साथ में होंगे? सब लोग एक साथ रहेंगे अच्छे से। क्या सोच बनाए हैं? क्या कभी ये अच्छा भी डर लगता था कि जब आतंकियों से ये मुठभेड़ में रहते होंगे तो कैसा लगता होगा? आज हमेशा डर लगा रहता था, जब फोन नहीं लगता था तो। क्या नाम हुआ आपका? लाइट आ जाए तो ऐसे आ जाइए भैया। बस। अभी मैं लांस ऋषिकेश कुमार जम्मू में पोस्टेड था। अभी 17 साल सर्विस करके आया हूँ और 17 साल में मैंने तकरीबन 12 साल झंडके में ही नौकरी किया है। सियाचिन ग्लेशियर RR कमांडो में रहा हूँ। हर तरह की वहाँ पर जो बर्फ है, मिलिटेंट है, हर तरह से लड़ा हूँ वहाँ पे। जितना हो सका देश की सेवा किया हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे देश की सेवा करने में। और किस ऑपरेशन में आपने शामिल थे? मैं बहुत सारे ऑपरेशन में रहा हूँ शामिल, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं काफ़ी सारे ऑपरेशन में 17 साल में 12 साल ऑपरेशन में रहा हूँ। और बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने देश की सेवा की है और हमेशा देश की सेवा करता रहना चाहूँगा। अभी रिटायर्ड हुआ हूँ मगर रिटायर्ड नहीं हुआ। कैसा अनुभव रहा वहाँ पे? काफ़ी ठंड पड़ती है। हाँ, किस तरह से आप लोग काम करते हैं, किस तरह कठिनाई?